मिलकर नारा का जवाब देंगे। ऐसा तारीखी नारा जो ट्यूली पट्टी के इतिहास में इससे पहले नहीं लगाया गया, नारा तकबीर, या सैयदी अब्बास, 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 चौक है कल्चर्स चौक, रेलवे गेट पार हो गए हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं घर, और लाइक करते रहे, हमारे साथ बने रहे आखिर एंड तक। ये देख पा रहे हैं आप लोग अभी लंच क्लब के और चल रहे हम लोग। ये ईट एंड पार्क रेस्टोरेंट है, बहुत ही खूबसूरत। डॉक्टर मोहनलाल जैन, बहुत ही खूबसूरत वाके नजारा, वीडियोस है खूबसूरत नजारा, किशनगंज का खूबसूरत दिलकश नजारा देख पा रहे हैं। दोस्तों जो भी दर्शक हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं लाइक कर दीजिए, और जो YouTube को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर ले, Facebook को फॉलो कर दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हमारे चैनल आप सपोर्ट करें। किशनगंज का वाकई खूबसूरत जो नज़ारा है, अंध रफ्त जो बिहार और बंगाल का जो रास्ता है जाने आने का, जो भी लोग आते हैं शॉपिंग करने, कोई किताब खरीदने, बहुत सारे लोग अपना जो है ज़रूरतमंद सामान खरीदने किशनगंज आते हैं। हम लोग अभी चल रहे हैं उत्तर दिनाजपुर किशनगंज रास्ते में, जो ये रास्ता बांग्लादेश तक मिलती है, किशनगंज डायरेक्ट बांग्लादेश रास्ता में मिलते हैं, किशनगंज टू बॉर्डर बांग्लादेश यानी उत्तर दिनाजपुर रोड, इसी पर हम लोग चल रहे हैं। आगे हम लोगों का जो है लेंस क्लब आ रहा है, वो भी आप वो भी नज़ारा दिखाने की कोशिश करते हैं, कोशिश करेंगे। आप लोग बने रहिए, हम लोगों से जुड़े रहिए जी, और वीडियो को हौसला के लिए लाइक और कमेंट कीजिए, और वीडियो को लाइक कमेंट करके हौसला अफजाई करें जी। अब हम लोग एंट्री हो रहे हैं लाइंस क्लब, जो है हम दिखाने की कोशिश करेंगे लाइंस क्लब के बरामदा में हम लोग अभी, उसके बाद लाइंस क्लब के आगे थोड़ी देर आगे जो है
जो MGM मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी है, जो बच्चे लोग एडमिशन लेते हैं GNM नर्सिंग BSc नर्सिंग का, देख पा रहे हैं इसके गेट के सामने। हाँ, गेट के सामने MGM कॉलेज। चले देख पा रहे हैं दोस्तों, खूबसूरत नज़ारा है। तो ये बहुत सारे एम्बुलेंस हैं आगे खड़े, लेंस क्लब के आगे। ये किशनगंज का खूबसूरत वाक़ जो है, किशनगंज का एक मशहूर व मारूफ, किशनगंज का मशहूर और देखने का देखने वाला ये हॉस्पिटल है, देखने की है ये। अच्छा, किशनगंज का एक पहचान है, MGM कॉलेज किशनगंज का पहचान है। MGM कॉलेज है ये यूनिवर्सिटी, एडमिशन ले सकते हैं। हमारे ब्लॉगिंग में हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी हम लोग MGM से निकल गए हैं, उत्तर दिनाजपुर का रोड, जो ग्वालपुर का रोड जाते हैं, उत्तर दिनाजपुर रोड जो बांग्लादेश से मिलती है। अच्छा, उसी रोड पर हम लोगों की अभी सवारी चल रही है। अच्छा, हम लोग बाइक पर सवार करते हैं, देख पा रहे हैं बाइक है, सुपर बाइक है। ये थोड़ा नज़ारा दिखाता है पीछे लाइन्स क्लब का, ये देख पा रहे हैं वाकई खूबसूरत है, देखने को भी बहुत अच्छा लगता है सिटी। ये देख पा रहे, लगता है जो घर के पीछे जो है पहाड़ जैसा लग रहा है, जो तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है पहाड़ जैसा लग रहा है लाइटिंग में। देखते हैं किस तरह का ये रोशनी, सूरज जो है ग्रुप हो गया, वो भी दिखा रहे हैं हम लोग। उत्तर दिनाजपुर रोड है ना जी, यानी किशनगंज का एक खूबसूरत कल्चर आप लोगों के सामने रखा। और ये देख पा रहे हैं लेंस क्लब का आगे जो है, थोड़ी देर आगे है MGM का जो हॉस्टल है डॉक्टर रहने का, 200 मीटर आगे, 200 मीटर के बाद MGM से 200 मीटर। कुरेला चौक पर हम लोग आ गए हैं अभी, कुरेला प्राइमरी स्कूल है, कुरेला ये चौक है, ये कुरेला गाँव है। देख पा रहे हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे साथ बने रहिए। जो लोग कुरेला से रिलेटेड है या अंगार भाषा से रिलेटेड है, जो भी ये चौक को देख पा रहे हैं, खमाल पोखर भी एक खमाल पोखर का रोड है और कुरेला चौक है। अभी यहाँ से आप लोग लोकेशन से देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग कोई दिल्ली से भी देख रहे हैं, कोई हरियाणा, कोई मुंबई, पूरे भारत के स्टेट से देख रहे हैं तो कमेंट कीजिए कौन कहाँ से देख रहे हैं। जैसे कोई कर्नाटक, बेंगलोर, हरियाणा, पंजाब, पानीपत, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र और बहुत सारे जो स्टेट है, वेस्ट बंगाल, बिहार, पटना से देख रहे हैं, आप लोग जो है वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए, ताकि ये देख पा रहे हैं हम लोग बंगाल का जो अपनी रुकनी जो है चालू हुआ है, लेकिन इधर जो है ज़्यादा आधा से ज़्यादा रुक लिया है रुकनी। तो ये है दुबई जी जी, हजरत बोलिए कुछ। ये हमारे इलाके का जो है सुहाना मौसम है, देखिए अभी बारिश लग रहा है ना, हरा भरा लग रहा है, ग्रीन इलाका, हरा भरा इलाका। ये देखिए अभी हमारे यहाँ जो है धान का जो ये चल रहा है, सीजन चल रहा है, उपाय का सीज़न चल रहा है, वो देखिए बिल्कुल कितना खूबसूरत, बिल्कुल चारों तरफ पानी पानी और ऊपर देखिए आसमानों का आसमान भी जो है खिलखिला रहा है, साफ है आसमान आसमानों का। इधर देख रहे हैं तो पूरा खेत है, पूरा एकदम फाका है, पूरा खेत का फाका है। ये कुरेला चौक पार हो गया, ये कुरेला का पेट्रोल पम्प है जो नियर, थोड़ा उसका भी नज़ारा दिखाने की कोशिश करता है। उसका गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, आके पेट्रोल भरा लीजिए, बहुत ही सस्ता पेट्रोल है, इंडियन ऑयल। देख पा रहे हैं ये कुरेला का पेट्रोल पम्प है, धर्मपुर से नज़दीक है। उसके बाद धर्मपुर हाई स्कूल और धर्मपुर का जो है लोकेशन दिखाने की कोशिश करेंगे। जो भी आप लोग धर्मपुर से देख रहे हैं चैनल को आगे शेयर कर दीजिए। धर्मपुर हाई स्कूल है ना, ये धर्मपुर हाई स्कूल है। अब हम लोग जो एंट्री कर चुके हैं धर्मपुर जी, धर्मपुर का चौक है। कल्चरल देखिए आप लोग, आम तरफ देखिए कितनी आबादी है, बहुत कश्मकश है। ये इधर भी जो है शाहपुर जा सकते हैं। तो ये धर्मपुर हाई स्कूल है, देख पा रहे हैं धर्मपुर हाई स्कूल, जो भी देख पा रहे हैं ये धर्मपुर का गेट है हाई स्कूल का। ये धर्मपुर चौक में हम लोग एंट्री कर चुके हैं, बहुत सारे दुकान हैं। हाँ, बहुत बड़ा हाट है लगता है, पूरा ग्वालपुर का है ना, पूरा ग्वालपुर फेमस हाट है धर्मपुर। छोटा मोटा टाउन समझ लीजिए। हाँ, और बढ़ाए दो अभी अजेंडर, देख पा रहे हैं आप लोग।
हल्दी और जोट है ना, हल्दी और जोट यानी सन, और इसी तरह जो है आपका धान, रामपुर बाजार, रामपुर का क्या मशहूर मार्केट है, मशहूर मार्केट है धान, धान धान बिजनेस का और जोट का यानी सन, और इसी तरह हल्दी यानी खास करके हल्दियों की जो ये मार्केट है ये मशहूर मार्केट है। ये स्मार्ट पॉइंट है धर्मपुर का, स्मार्ट पॉइंट, और ये इधर दुकान सब है धर्मपुर का, ये है सार का दुकान है फर्टिलाइजर का, ये टावर है धर्मपुर का। जो भी आप लोग धर्मपुर या जिन्नतपुर के लोग देख रहे हैं वीडियो को, लाइक, एक लाइक बनता है और कमेंट कीजिए। ये अभी जो है मगरिब का टाइम है, जो थोड़ा अंधेरा हो गया, वीडियो अंधेरा हो गया है तो देख पा रहे हैं बहुत सारा घर है यहाँ पर, दुकान है। हम लोग जो है धर्मपुर आप पार होने वाला है, ये जिन्नतपुर का रास्ता दिखाएंगे थोड़ा, जिधर से जिन्नतपुर जाता है। ये ब्राइट या है बीइंग पब्लिक स्कूल है धर्मपुर का, और ये जिन्नतपुर का रोड है चापते का इधर, और साइड में इधर चाय पत्ती का बगान है नीचे धर्मपुर का, फेमस धर्मपुर का चाय पत्ती गार्डन बगान है। उसके बाद ये जिन्नतपुर गांव है इधर उत्तर साइड में, और दक्षिण साइड में जो है पूरा खेत है धान का, मकई के सीजन में मकई, अभी धान का सीजन है, गेहूँ के सीजन में गेहूँ। तो पूरा एरिया देख पा रहे हैं, कम से कम कितना एकड़ जो ज़मीन होगा यहाँ पर, कम से कम 4 बड़े बड़े यूनिवर्सिटी यहाँ बन सकता है। और कोई बोल रहा है कि जगह नहीं है, देखिए धर्मपुर में कितना जो है ना इधर धर्मपुर में काफ़ी। तो गाइस अभी हम लोग जो है गरगच चौक पर मौजूद है, गरगच में पहुँच चुके हैं, जो आप लोग नज़ारा दिखा रहे हैं, मगरिब का टाइम जो रात हो गया है देख पा रहे हैं, वहाँ के बहुत ही भीड़ रहता है। ये गरगज का भी फेमस चौक हो गया है, छोटा बड़ा है लेकिन अभी, और छोटा मोटा जो है एक बीपीएस से बड़ा चौक दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बीपीएस से ज़्यादा आबादी, दुकानदारी भी हो रहा है देख पा रहे हैं। गरगज में गरगज का हम लोग का पंचायत है देख पा रहे हैं, गरगज का चौक। अभी हम लोग गरगज में, जो भी गरगज से जो लोग भी देख रहे हैं लाइक करते रहिए, कमेंट कीजिए। ये मार्केट है, ये टावर है, और आगे गरगज से आगे एक पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप को भी दिखाने की कोशिश करेंगे। गरगज की तरक्की बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे हबीब साहब हजरत बता रहा है कि गरगज जो है और भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, ये पेट्रोल पंप है HP का हिंदुस्तान, और इसका आगे तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ कौम है, एक ही कौम नहीं है, यहाँ पे मुख्तलिफ कौमें रहती है, और हमारे गरगज का ब्रिज है सुने, हमारे ये भी एक खूबसूरती है।